hello students today we will discuss the new chapter that is npo not profit organizations these are those organizations which are run not for the purpose of earning profits but uh, they uh, have uh, have their uh, different purpose like a social benefit or medical help or you can say the educational help so all these organizations' main motive is not to earn profit but to the public welfare. For example, uh, hospitals, charitable hospitals, dispensaries, uh, temple trusts, uh, uh, your uh, sports clubs, uh, all these are uh, your NGOs, all these are the uh, examples of not-profit organizations. To keep, the, to keep on the control of, of finance of these organizations, इट इज़ मैंडटरी फॉर दिज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रपेयर द अकाउंट्स मीन्स दे हैव टू देव ऑल्सो टू मैंटेन दियर अकाउंट्स सो दे कैन अगर हम एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करने का ना होके आ, सोशल वेलफेयर का होता है लाइक जितने हमारे मंदिर ट्रस्ट होते हैं जितने चैरिटेबल हॉस्पिटल चैरिटेबल डिस्पेंसरीज जितने आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं या जितने भी आपके आ, ये स्पोर्ट्स क्लब्स या दूसरे क्लब्स होते हैं मेंबर क्लब्स ये सारे या जितने भी एन हैं ये सारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है लेकिन जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं इनकी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं तो इनका जो तो फाइनेंस है उसका मिसयूज़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि इनको भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं तो ये जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो या तो ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या नंबर टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट के साथ या तो या अकेला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करना होता है कुछ या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट के साथ जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे हम छोटे छोटे यूथ क्लब्स गांव में देखते हैं और छोटे छोटे फीमेल क्लब्स हम देखते हैं तो वो अपना काम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से चला लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दिस इज द रिसिप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट साइड साइड में हम ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस प्रोडाउन लिखने के बाद सारी रिसिप्ट लिखते हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो लाइक बिल्डिंग बेची वो रिसिफ्ट हो रही है यहाँ लिखनी है भले ही वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है लेकिन अगर आपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है तो वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है वो भी आपको यहीं लिखनी है बिल्कुल पेमेंट्स में कैशबुक की तरह सारी पेमेंट्स आपको यहीं करनी है चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवन्यू नेचर की है जब कैपिटल डेबिट साइड बड़ी होगी तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस On, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस तो बच्चों आपने देखा ये पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है एग्जाम्पल लेते हैं टू तो बैलेंस ब्रोडेंड ओपनिंग है टू लैक्सल न्यूज पेपर वी है पेमेंट साइड फिफ्टी थाउजेंड इज अलरी electricity बिल इज़ टेन थाउजेंड एंड दिस इज़ न्यूज़ पेपर एक्सपेंसिस टू थाउजेंड तो ये डेबिट साइड में इनकम ज़्यादा है और ये एक्सपेंसिस हुए तो ये क्लोजिंग बैलेंस बचा हमारा वन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जब नेक्स्ट ईयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा लेकिन जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है बच्चों तो उसकी कुछ कमियाँ हैं अभी आपने देखा कि और शिप्टिंग पेमेंट अकाउंट में सबसे बड़ी कमी ये है कि ये रेवेन्यू नेचर की आइटम और कैपिटल नेचर की आइटम में डिफरेंस नहीं करता है हमने सेल ऑफ लैंड लैंड भी यहीं लिखा और सेल ऑफ ग्रास भी यहीं लिखा जबकि सेल ऑफ ग्रास रेवेन्यू इनकम है और सेल ऑफ लैंड कैपिटल नेचर की इनकम है इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इसी के साथ जब हमने सब्सक्रिप्शन लिखा सब्सक्रिप्शन होता है कि वो अमाउंट जो हर क्लब के मेंबर को क्लब की फंक्शनिंग के लिए हर महीने या हर साल में देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन कई बार आउटस्टैंडिंग भी होता है पिछले साल का कुछ लोगों ने नहीं दिया किसी ने एडवांस दे दिया तो ये आ, जो अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट है उसको भी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसमें हम एडवांस और आउटस्टैंडिंग के लिए अफेक्ट्स नहीं देते हैं ठीक है तो इन दोनों कमियों से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट को फॉलो नहीं करते हैं और क्या करना चाहिए फॉलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओके तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें रेवन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और कैपिटल नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए उसके साथ हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो कि यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है ये है आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम्स इस तरफ बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है ये जो आपने एलेवंथ क्लास में पढ़ा था ये इनकम्स अमाउंट और एक्सपेंडिचर अमाउंट सारी इनकम्स आपने यहाँ लिखनी है अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगी तो वो यहाँ प्लस करके नीचे लिखनी होती है और यहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर आपको यहाँ लिखना है ये बैलेंस शीट है एसेट साइड लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल नेचर की इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स हैं वो बैलेंस शीट में यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं विद बैलेंस शीट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट एडजस्टमेंट्स लेकिन फुल फ्लैज क्वेश्चन करने से पहले हमें कई तरह की छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स पहले सीखनी पड़ेंगी तभी हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सीख पाएंगे इन ट्रीटमेंट्स में है सबसे पहले हम सीखेंगे आज फंड ट्रीटमेंट फंड ट्रीटमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन पर्पस जो इनका होता है उसके लिए एक अलग से फ़ंड बना लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं लाइक ए बी सी एक हेल्थ क्लब है ए बी सी एक हेल्थ क्लब है और ये जो हेल्थ क्लब है ये सपोज मेडिसिन बांटता है हर साल फ्री मेडिसिन बांटता है नीडी पर्सन्स को तो ये मेडिसिन फंड बना लेता है सपोज मेडिसिन फंड बना लेता है ये हर साल और इस फंड में से सारे मेडिसिन के खर्चे किए जाएंगे सारे खर्चे मेडिसिन फंड में से किए जाएंगे बनाता है, म, बनाया हुआ है इस फंड पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं डाल दिया फिफ्टी ये मेडिसिन फंड का ओपनिंग बैलेंस है ओके अब इस फंड में हर साल इनकम्स भी होती हैं और एक्सपेंसि भी होते हैं अब जो इनकम्स होंगी वो इस फंड में ऐड हो जाती हैं और जो एक्सपेंसेस होंगे वो इस फंड से माइनस हो जाएंगे फिर क्लोजिंग बैलेंस फंड का आ जाएगा आपके पास लाइक uh, like, uh, ये ओपनिंग बैलेंस है ऑफ द फंड ओपनिंग बैलेंस अब किसी एक पर्सन ने इस फंड में डोनेट कर दिया डोनेशन दे दी और टेन थाउजेंड तो डोनेशन से फंड में इनकम हुई तो ये डोनेशन फंड Do, में डोनेशन हुई तो ये प्लस हो जाएगा इसमें फंड में ऐड हो जाएगा इसके अलावा और भी कई तरह की इनकम्स होती हैं फंड की जो इनकम्स होंगी सारी फ़ंड इनकम्स जो होंगी वो फ़ंड में ऐड हो जाती हैं मान लीजिए अदर इनकम्स जो हैं फंड की वो बीस हज़ार पे हैं और ये हमारी पूरी एट्टी थाउजेंड बन गया फिफ्टी थाउजेंड फंड में थे टेन थाउजेंड किसी ने डोनेशन डाल दी और फंड्स की अदर इनकम्स हुई हमें ट्वेंटी थाउजेंड की टोटल फंड में आ गया एट्टी थाउजेंड अब फंड में एक्सपेंसेस भी होते हैं एक्सपेंसेस क्या होंगे अगर मेडिसिन फंड है तो अपने मेडिसिन बांटी होंगी या कोई और एक्सपेंस होगा तो फंड के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फंड से माइनस हो जाते हैं मान लीजिए साल में इन्होंने फिफ्टी थाउजेंड की मेडिसिन बांट दी तो फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर दीजिए अब फंड में कितने पैसे बचे साल के एंड में थर्टी थाउजेंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फ़ंड मतलब फ़ंड के ओपनिंग बैलेंस में जो फंड्स की इनकम होती हैं उनको हम प्लस करते हैं और जो फंड के एक्सपेंसेस होते हैं फंड को माइनस एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो बचता है हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फ़ंड होता है फ़ंड्स हमेशा लाइबिलिटी साइड में आते हैं वो आपको पता है लेकिन एक बात आपको यहाँ बतानी है बहुत ज़रूरी कि अगर किसी क्लब ने फिफ्टी मेडिसिन फंड के लिए रख लिया है किसी हेल्थ क्लब ने तो वो फिफ्टी जो अमाउंट होता है वो फंड Uh, के लॉकर में नहीं रखा जाता दैट इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन द बैंक दैट इज़ टू बी पुट इन द बैंक और समवेयर एल्स कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि इतना कैश uh, मैं तो फिफ्टी थाउजेंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं ज़्यादा कैश भी हो सकता है किसी फंड में दस लाख भी हो सकता है किसी फंड में एक करोड़ भी हो सकता है तो वो इतना पैसा जो है वो फंड में लॉकर में नहीं रखा जाता वो कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाता है या कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो जब इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं चाहे बैंक में या चाहे कहीं और तो वो बन जाता है फंड इन्वेस्टमेंट मींस अगर इसी क्वेश्चन में फिफ्टी थाउजेंड मेडिसिन फंड है मेडिसिन फंड है और अगर इसको बैंक में डाल देंगे तो ये बन जाएगा मेडिकल सॉरी मेडिसिन फंड इन्वेस्टमेंट ठीक है अब फंड सारी लाइबिलिटीज होती हैं और फंड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं हमारे एसेट्स होते हैं अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसी क्वेश्चन में तो हम फंड लिखेंगे फिफ्टी थाउजेंड था हमारे पास ओपनिंग में टेन की डोनेशन हुई ट्वेंटी हमें और इनकम्स हुई टोटल एटी बन गया फिफ्टी थाउजेंड की मेडिसिन बांट दी खर्चा हो गया कितना बचा फंड में थर्टी थाउजेंड तो फंड में हम कितना लिखेंगे थर्टी थाउजेंड ठीक है ओके समझ आ गया इसी तरह जो फंड का पैसा होता है वो लाइबिलिटी में आता है और फंड इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो मेडिकसन फंड इन्वेस्टमेंट वो तो आपको यहाँ लिखना होता है ठीक है अब फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फंड की ट्रीटमेंट होगी मान लीजिए फंड में है पचास हजार और अब हम टूर्नामेंट फंड लेते हैं मान लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है स्पोर्ट्स क्लब है और उसका टूर्नामेंट फंड बनाया उसने फिफ्टी थाउजेंड का और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी है फिफ्टी थाउजेंड अब ये क्या मतलब हुआ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का जब इसी पैसे को बैंक में जमा कर देंगे तो बन जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है जो हमारा फिफ्टी थाउजेंड है अच्छा अब इस पर जो इनकम्स होंगी मान लीजिए टूर्नामेंट करवाता है ये स्पोर्ट्स क्लब हर साल तो इसने टूर्नामेंट करवाया तो टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिल गई किसी मिनिस्टर से डोनेशन मिल गई तीस हज़ार फिर जब टूर्नामेंट तीन चलो तीन लाख लिख लिया फिर जब टूर्नामेंट करवाया तो टूर्नामेंट में इन्होंने टिकट्स भी बेचे तो टूर्नामेंट इनकम हो गई या एंट्री फ़ीस ली टीमों से टूर्नामेंट इनकम्स चालीस हज़ार हो गई फिर टूर्नामेंट करवाया तो टूर्नामेंट पे खर्चे हुए भी हुए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस दो लाख रुपए अब हम कर सकते हैं उस फंड को अब हम खुद ही करेंगे टूर्नामेंट फंड में पचास हज़ार है और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पचास हज़ार ये तो इन्वेस्टमेंट सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाता है अब डोनेशन कितनी है अब देखिए ये है डोनेशन मिली है टूर्नामेंट के लिए तीन लाख रुपये इनकम है ये टूर्नामेंट पर और दूसरी इनकम हुई है जैसे टिकट बेच के या एंट्री फीस से चालीस हज़ार रुपये और टूर्नामेंट पर जो एक्सपेंसिस हुए वो बीस हज़ार रुपये सॉरी दो लाख रुपये अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस था पचास हजार प्लस इनकम इसमें ऐड कर देंगे इनकम्स कौन कौन सी हुई डोनेशन हुई एक तो तीन लाख की प्लस अदर इनकम्स टूर्नामेंट इनकम्स कितनी है ये चालीस हजार है ये भी हम ऐड करेंगे चालीस हजार ये बन गया हमारा थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस है दो लाख रुपए के ये दो लाख तो दो लाख माइनस कर देंगे कितना बचा वन लाख नाइन्टी थाउजेंड वन लाख नाइन्टी थाउजेंड अभी जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है पचास हज़ार रुपये अगर इसको बैंक में जमा किया तो वहाँ से इंटरेस्ट भी मिलेगा और अगर वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी तो इनकम है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट मान लीजिए अगर पाँच हज़ार वो भी है तो वो भी इस फंड में हमें ऐड करना है तो फाइव थाउजेंड वो भी ऐड करेंगे तो वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा मतलब अगर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी है और उस पर इंटरेस्ट मिला है तो वो भी टूर्नामेंट फंड की इनकम हुई वो भी फंड में यहाँ लिखनी है क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ लिखना होता है अब अगर ये इंटरेस्ट पाँच हज़ार जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी होता है अगर ये मिल चुका है तो हमें यहाँ ऐड करना है और अगर नहीं मिला तो भी हमें यहाँ ये ऐड करना है लेकिन अगर नहीं मिला है तो ये एक्रूड है तो एक्रूड है तो फिर ये एसेट में भी जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पचास हजार और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पाँच हज़ार ये यहाँ कब लिखना है पाँच हज़ार यहाँ तो फंड में तो इंटरेस्ट ऐड होना ही होना है चाहे वो मिला है चाहे वो नहीं मिला है अगर ड्यू हो गया है भले ही ना मिला हो वो इंटरेस्ट आपको टूर्नामेंट फंड में तो ऐड करना ही है लेकिन अगर ड्यू हो गया है मिला नहीं है तो फिर ये यहाँ भी आएगा क्योंकि नहीं मिला है तो ये एक्रूड इनकम है तो ये एसेट में जाएगी अगर मिल चुका है तो सिर्फ यही प्लस होगा यहाँ पर नहीं आएगा ओके दिस इज़ द फंड्स ट्रीटमेंट जो आज हमने सीखी है इसके बाद हम अगले ट्रीटमेंट सीखेंगे टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स